तो पूछता है उत्तराखंड में आज बात होगी आरोपों की। कंदन कुठियाल ने आरोप जनसेवा का मुझे उदाहरण बेहद संगीन केदारनाथ आरोप लगाए किसने और लगाए किस पर तनखा ली। वैसे सियासत में कहते हैं कि आरोप लगाने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती, हिट एंड रन, हिट एंड रन। लेकिन यहां आरोप उत्तराखंड की सियासत में बेहद गंभीर है। आरोपों पर शांत क्यों है कर्नल अजय कोठियाल? जी हां, यह सवाल अपने आप में खड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे उत्तराखंड के, वो अपने ऊपर लगे आरोपों पर खामोश चुप्पी साध लेते हैं। चुनावी खींचतान में सीएम धामी के मंत्री गणेश जोशी कर्नल कोठियाल पर संगीन आरोप लगाते हैं, चेतावनी देते हैं, उसके बावजूद कर्नल चुप्पी साध लेते हैं। कर्नल कोठियाल को इशारों इशारों में उनकी संज्ञा जो है वो एक ठेकेदार से कर देते हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के प्रोग्राम एकदम सीधी बात में बातचीत के दौरान उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी ने जिस अंदाज में कर्नल कोठियाल पर आरोपों के तीर छोड़े, उस पर कर्नल की चुप्पी आज सवाल खड़ा कर रही है। कर्नल कोठियाल ने किसी भी तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर अपने आप को अलग कर लिया या अलग दिखाने की कोशिश की। ऐसे में सवाल यह कि कर्नल कोठियाल चुप क्यों है? क्या कर्नल को किसी बात का डर सता रहा है? क्या गणेश जोशी के पास कर्नल से जुड़े कोई ऐसे राज हैं जिसे सामने लाने की वो चुनौती दे रहे हैं? क्या कर्नल की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है? लेकिन कर्नल चुप क्यों है? हम किसी की छवि पर सवाल नहीं उठा रहे, हम किसी को दागदार नहीं बता रहे, हम यह नहीं कह रहे कि कर्नल ने कोई गुनाह किया। हम तो उन आरोपों का जिक्र कर रहे हैं जो धामी सरकार के मंत्री खुद उठा रहे। आखिरकार किस तरह से यह बवाल मचा और किस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने निशाने साधे गणेश जोशी पर, पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और पूछेंगे कर्नल कोठियाल चुप क्यों है। देखिए रिपोर्ट। कर्नल कोठियाल ने भी तो जनसेवा की आपकी तरह। कर्नल कोठियाल ने कोई जनसेवा का मुझे उदाहरण बताइए, क्या किया उन्होंने? केदारनाथ धाम, केदारनाथ में उन्होंने नौकरी करते थे, तनखा ली, जो काम मिला वो काम को ठेकेदारों से काम कराया, उसको जनसेवा नहीं बोलते हैं? फ्री में उन्होंने कोई काम नहीं किया, उसका बकायदा उन्होंने पैसा लिया गया। जो आप जिस परिपेक्ष में आप बात करना चाहें वहां का इशारा कर रहा हूँ, जिस केदारनाथ की आप बात कर रहे हैं जी, अगर उसकी परतें उगड़ेंगे तो बहुत चीजें निकल जाएंगी, चुनाव में बात करेंगे उस चीजों की। सरकार आपकी थी, आप खोलते परते, देखिए वक्त आएगा तो वो चीज भी आएगी। लेकिन कहना मैं हूँ किसी पर व्यक्तिगत आरोप के बचदर नहीं है। नहीं, केदारनाथ में अगर कुछ हुआ तो आपको परते खोलनी चाहिए थी, सरकार आपकी है। नहीं नहीं, जब आश की आवश्यकता महसूस होगी, देखिए जब लड़ाई होती है तो सारा एमनेशन एक साथ नहीं निकल जाते, सारे हथियार एक साथ नहीं निकाले जाते। कभी पहले एयर बम्बार्डमेंट होता है, फिर टैंक चलते हैं, फिर पैदल सेना जाती है, तो जब वक्त आएगा तो उस हिसाब से बातचीत। ऐसा महसूस हो रहा है कि फौजी के सामने फौजी आकर कहेगा और आपके पास कुछ टैंक में बारूद है, लग रहा है आपकी बातों से। मैंने कहा देखिए जब वक्त आएगा तो, और जोशी जी फ्रंट पर आकर लड़ाई लड़ेंगे। नहीं देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का फाइटिंग फोर्स का सिपाही हूँ, मेरी पार्टी जब मुझे जिम्मेदारी देती है आपने देखा होगा मैं सबसे आगे रहता हूं। आप कर्नल को चुनौती दे रहे हैं? मैं कह तो रहा हूं कि एक क्या ऐसे कई कर्नल आ जाए तो भारतीय, मैं कह रहा हूं आज देखिए मोर्चे पर सिपाही लड़ता है, सिपाही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमांड जनरल करता है, सारे जनरल हमारे पास। न्यूज वर्ल्ड इंडिया को दिए उत्तराखंड के मंत्री के इस इंटरव्यू ने उत्तराखंड की सियासत में सियासी भूचाल ला दिया है। गणेश जोशी के सियासी आरोप आम आदमी पार्टी को आग बबूला कर रहे हैं। वजह साफ है, सीएम पुष्कर सिंह धामी के मंत्री गणेश जोशी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल पर जिस अंदाज में उनके दामन पर आरोप लगाए हैं, उससे नई सियासी बहस छिड़ गई है। क्या वाकई
केदारनाथ आपदा के पुनर्निर्माण में कोई बड़ा घोटाला हुआ था जिसका जिक्र मंत्री गणेश जोशी इशारों ही इशारों में कर रहे हैं, मगर सवाल ये कि जोशी के आरोपों पर कर्नल चुप क्यों हैं? पहले एक बार फिर से ये बयान सुनिए। कर्नल कोठियाल ने भी तो जनसेवा की आपकी तरह। कर्नल कोठियाल ने कोई जनसेवा का मुझे उदाहरण बताइए, क्या किया उन्होंने? केदारनाथ, हाँ, केदारनाथ में उन्होंने नौकरी करते थे, तनखा ली, जो काम मिला वो काम को ठेकेदारों से काम कराया, उसको जनसेवा नहीं बोलते हैं? फ्री में उन्होंने कोई काम नहीं किया, उसका बकायदा उन्होंने पैसा लिया गया। जो आप जिस परिप्रेक्ष्य में आप बात करना चाहें वहां का इशारा कर रहा हूँ, जिस केदारनाथ की आप बात कर रहे हैं जी, अगर उसकी परतें उगड़ेंगे तो बहुत चीजें निकल जाएंगी, चुनाव में बात करेंगे उस चीजों की। सरकार आपकी थी, आप खोलते परते? देखिए वक्त आएगा तो वो चीज भी आएगी, लेकिन क्या ना, मैं हूँ किसी पर व्यक्तिगत आरोप के बचदर नहीं है। नहीं, केदारनाथ में अगर कुछ हुआ तो आपको परते खोलनी चाहिए थी, सरकार आपकी है। नहीं नहीं, जब आपकी आवश्यकता महसूस होगी, देखिए जब लड़ाई होती है तो सारा एमनेशन एक साथ नहीं निकल जाते, सारे हथियार एक साथ नहीं निकाले जाते, सबसे आगे आप कर्नल को चुनौती दे रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि एक क्या ऐसे कई कर्नल आ जाए तो भारतीय, मैं कह रहा हूँ आज आरोप संगीन हो और जिस पर लगे हो उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया ना आए, ऐसे में शक की सुई और तेजी से घूमने लग जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो कर्नल कोठियाल ने खुद पर लगे आरोपों पर खुद कोई प्रतिक्रिया दी, और जब हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, उनकी राय जाननी चाही, तो उन्होंने इन आरोपों पर चुप्पी साध ली। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि गणेश जोशी के आरोपों में ऐसी कौन सी सच्चाई छिपी है जिसकी वजह से कर्नल कोठियाल को मौन धारण करना पड़ रहा है। अपनी साफ छवि के लिए सीना ठोक कर दावा करने वाले कर्नल मंत्री गणेश जोशी की चेतावनी से क्या डर गए हैं? क्या कर्नल कोठियाल को इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता? वो भी तब जब केदारनाथ की आपदा के बाद पुनर्निर्माण का सहरा वो खुद अपने सर पर बांधते हैं। खैर, सवाल कई हैं जो गणेश जोशी ने खड़े किए हैं। कर्नल भले ही चुप हैं, मौन हैं और गणेश जोशी के आरोपों के आगे सरेंडर कर चुके हैं, मगर उनके पार्टी के प्रवक्ता जरूर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर गणेश जोशी जी मंत्री हैं इस राज्य के और उन्होंने ये शब्द कहे कि कर्नल कोठियाल ने जो आपदा में काम किया उसमें बहुत घपले घोटाले हैं और मैं उनकी धीरे धीरे परते खोलूंगा, आप एक मंत्री हो, आपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो उसे आज खोलिए, वरना आपने जो शपथ ली है आप उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको तुरंत खोलना चाहिए अगर किसी के खिलाफ कुछ है, और आपको तो वो भी खोलना चाहिए कि ढेंचा बीज घोटाले में क्या हुआ। आपको यह भी बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो विधानसभा पटल में अंदर खड़े होकर कहा था कि NH-74 घोटाले की CBI जांच होगी, उसका क्या हुआ। आपको यह भी बताना होगा कि जो कुंभ घोटाले में कितना माल बटोरा आप लोगों ने, कितने लोग मरे कुंभ में, जो टेस्टिंग घोटाला हुआ उसकी भी परतें खोलिए। उसमें गणेश जोशी जी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कर्नल कोठियाले एक सैनिक हो सकता है। अरे तमीज तो सीख लीजिए, आप देवभूमि उत्तराखंड के मंत्री हैं। पहले ये बताएं कि आप कहते हो कि आपको सेवा मेडल मिला है, अगर आपको सेवा मेडल मिला है तो आपने सेना में कितने साल नौकरी की, बताएं गणेश जोशी जी। आप मंत्री हैं उत्तराखंड के, हमारे उत्तराखंड के मंत्री हैं, आप बताएं, आप सैनिक हैं तो आपने कितने साल सेवा की है सेना में जिसके बाद सेवा मेडल मिलने का, क्योंकि एक क्राइटेरिया है उसके बाद ही मिलता है, और आप सेना छोड़ के क्यों आए आपको ये भी बताना होगा। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या गणेश जोशी के आरोपों में रत्ती भर भी कोई सच्चाई छिपी है या फिर आरोप राजनीतिक हैं, जिसके डर से कर्नल कोठियाल इस सियासी जंग में कूदना ही नहीं चाह रहे, या कर्नल एक सिपाही की तरह वार करने के लिए सही मौके की फिराक में है। जो भी हो, इतना जरूर है कि आरोप संगीन है। अपने सहयोगी कैमरामैन सागर बिष्ट के साथ सुभाष गौड़ की रिपोर्ट। चलिए सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं शिशुपाल रावत, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बीना जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। साथ ही साथ सीमा डोरा हमारे साथ इस चर्चा को ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि BJP की प्रवक्ता है। मनोज इष्टवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं।
और उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे समय से कवर करते हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल हम साफ कर दें, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, ना ही किसी की छवि को दागदार दिखा रहे हैं। हम बस उस मसले को इस मंच से उठा रहे हैं जो सरकार के एक मंत्री ने उठाया है, जिसका जिक्र किया है। आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है या फिर नहीं, हमारे पास इस पूरे मामले को लेकर कोई सबूत नहीं है। लेकिन जो आरोप लगाए हैं कर्नल कोठियाल पर गणेश जोशी ने, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे एक बात शिशुपाल रावत जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करनी है। इतने संगीन आरोप, बेहद संगीन आरोप कि कर्नल कोठियाल केदारनाथ में आपदा, मुंह खोलूंगा तो दिक्कत आ जाएगी, उन्होंने फ्री में काम नहीं किया, ठेकेदारों से काम करवाया, और किस बात की सेवा, एक उदाहरण तो दीजिए। आपने सुने होंगे वो अल्फाज और वो लफ्ज जो गणेश जोशी ने बोले, आपका खून खोला कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर और प्रदेश स्तर का नेतृत्व, मुझे लगता है कि बयानबाजी के लिए माहिर है, पहले जुमलेबाजी के लिए थे, उसके बाद आज ये बयानबाजी के लिए थे। जैसे त्रिवेंद्र रावत ने कही, तीरथ सिंह रावत ने कही, और पुष्कर धामी ने कही कि मैं चोरी नहीं रोकने दूंगा, मैं नहीं कहूंगा तुम्हें जो करना है। आज उसी तरह से गणेश जोशी, जिन्होंने एक बेजुबान पशु की टांग तोड़ दी थी, आज वो गणेश जोशी कोठियाल साहब के बारे में कुछ कह रहे हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि एक ऐसे व्यक्ति जिसने जो है राष्ट्र की सेवा की है, केदारनाथ पुरन निर्माण, वो तो कह रहे थे कि एक उदाहरण दीजिए जनसेवा का, वो कह रहे थे मैं चुनौती देता हूँ, एक उदाहरण दे जनसेवा का, जो काम करवाया उसमें पैसा लिया, फ्री में काम नहीं किया। लेकिन मेरा सवाल घुमा रहे आप, मेरा सवाल ये था कि आपने ये बयान सुने, आपका खून खोला? बीजेपी बौखला चुके हैं और इनको जवाब देगी जनता, इनके कहने से कुछ नहीं होता। इन्हें लग रहा है कि कर्नल कोठियाल जो है गंगोत्री से जीतने वाले, गंगोत्री से जो व्यक्ति चुनाव जीतता है उसकी सरकार जीती, गंगोत्री उसने बनाई सत्ता। मेरा सवाल गंगोत्री जीतने या हारने का नहीं है शिशुपाल जी, मेरा छोटा सा सवाल था, मेरा छोटा सा सवाल था। मैंने कहा कि आपने ये बयान सुने, आपका खून खोला? के ऐसे मंत्री के बयानों की हम निंदा करते हैं सर, आप निंदा करते हैं, सुना, आपको गुस्सा आया क्रोध आया कि आपके चेहरे के ऊपर इस तरह से आरोप लगाया, गुस्सा आया, क्रोध आया? नहीं नहीं गलत बात है, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, इनको अब अपनी जमीन खिसकती हुई देख रहे हैं, इसलिए एक राष्ट्रभक्त के ऊपर मैं तो कह रहा हूँ कि शिशुपाल जी, आपको गुस्सा आया ना, पाकिस्तान क्रोध आया ना, की दो गोलियां। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको गुस्सा आया, क्रोध आया, तो कर्नल कोठियाल ने चुप्पी क्यों साध ली? हमारी टीम उनके पास पहुंची इस इंटरव्यू को लेकर, हमारी टीम पहुंची तो उन्होंने कहा कि इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। कर्नल कोठियाल चुप क्यों है? कर्नल कोठियाल चुप क्यों है? वो कह रहे हैं कि वक्त आने पर खुलासा करूंगा। कर्नल कोठियाल डर गए क्या? कर्नल कोठियाल डर गए? नहीं नहीं कर्नल, तो फिर चुप क्यों है कर्नल कोठियाल? मैं बैठा हूँ डिबेट में, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज बौखला चुकी है। विषय वो नहीं है, जिस शख्स पर आरोप लगाए, जिस शख्स ने आरोप लगाए वो चुनौती दे रहे हैं, और कर्नल कोठियाल कह रहे हैं मैं इस पर कुछ बोलूंगा नहीं। उस इंटरव्यू को आप देखिए, न्यूज वन इंडिया की टाइमलाइन में पड़ा है, उसको हजारों लोग देख चुके हैं इंटरव्यू को, उस इंटरव्यू को हजारों लोग देख चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है उससे। बयान है कि इनके कहने से कुछ नहीं होता, इनकी भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती जा रही है, इसलिए जाकर के कर्नल कोठियाल पे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और जो ये सीमा डोरा जी का, कर्नल कोठियाल का राष्ट्र सेवा का करने वाले व्यक्ति का, जिसे राष्ट्रपति ने, जिसे भाजपा के प्रधानमंत्रियों ने, आप तो फिर ये साबित कर रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। अगर कर्नल कोठियाल चुप है तो इसका मतलब वो बीजेपी की बी टीम है, इसका मतलब वो बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस जो आरोप लगाती हुई है उन पे कि वो बीजेपी की बी टीम है, जानबूझकर वोट काटने के लिए उनको खड़ा किया गया है, इसका मतलब फिर यह हुआ कि वो एक मंत्री के आरोपों को भी संगीन नहीं मानते, मंत्री के आरोपों को भी कहते हैं कि नहीं मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप्पी साध लूंगा। केदारनाथ का क्रेडिट आपको चाहिए, लेकिन केदारनाथ के लेकर आरोप आप पे लगे तो आप उसका जवाब नहीं देंगे, यही कह रहे हैं शिशुपाल जी आप? समय आने पे वो जवाब देंगे, क्योंकि ये बचकाना हरकत है, और ये कांग्रेस के जिनको इन्होंने गले में अपने साथ गले लगा के चल रहे, बहुगुणा जी
उनको भी इन्होंने कहा था कि इनका स्कूटर तो कई करोड़ रुपए का तेल पी गया था वहां। हाँ, जो भी भारतीय जनता पार्टी में यही वजह है, यही वजह है, लगाते थे विधानसभा के अंदर, यही वजह है। वो मैं पूछूंगा सवाल बीना जोशी से, लेकिन मुझे एक बात बताइए सीमा डोरा जी, कोई राजनीति में आरोप सबूत तो होते हैं? आपने एक कर्नल पर, पूर्व फौजी पर इस तरह के संगीन आरोप लगा दिए, केदारनाथ की आपदा को लेकर आपने कहा कि परते खोलेंगे हम, आप 4.5 साल से सत्ता में हैं, इंतजार कर रहे थे कर्नल कोठियाल बीजेपी ज्वाइन कर ले तो चलिए इनके भी दाग धुल जाएंगे, अगर दागदार हैं वो आप लोगों की नजर में, तो ये कौन से आरोप लगा रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि कर्नल कोठियाल ने केदारनाथ में गड़बड़ किया है? कोई आधार है आपके पास? सांच को आंच नहीं, जब उन्होंने बोला है तो उनके पास जरूर प्रूफ भी हो, और जब जरूरत होगी और जब आप लोग मांगेंगे तो वो दे भी देंगे। इतने बड़े नेता हैं और इतने पुराने हैं तो वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। 4.5 साल इनके बारे में बहुत ही नहीं, 4.5 अब आए ना मुख्यमंत्री की रेस में, तो जनता को पता होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है। क्या सच्चाई बोला होगा उन्होंने? क्या सच्चाई है? जो क्या किया केदारनाथ ने बोला, जो उन्होंने बोला, बोलिए ना आप, बोलिए क्या किया कर्नल कोठियाल ने? सुनिए, आपके पास सबूत है तो बताइए। उन्होंने बोला, आप सार्वजनिक करिए सबूत, अगर कर्नल कोठियाल ने कुछ गड़बड़ ज्यादा किया तो जनता तय करेगी। सार्वजनिक करने को वो कर देंगे समय आने पे, उन्होंने यही बोला ना, समय आने पे कर दिए जाएंगे। अच्छा, तो राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे, आपको दिखेगा तो कर, राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे केदारनाथ में जो घोटाला हुआ आपकी नजर में? नहीं, देखिए जब उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत काम करे हैं इसलिए वो मुख्यमंत्री पद के हकदार है, कहते हैं दिया जलता है तो प्रकाश चारों तरफ फैलता है। हमने तो आज तक उनका नाम कभी समाज सेवा में सुना नहीं, हमने कभी सुना नहीं कि उन्होंने केदारनाथ में क्या काम करा, हमने कभी सुना नहीं उन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या किया। आज अचानक वो उठ के आ जाते हैं और वो मुख्यमंत्री। अच्छा, आपने सुना नहीं कर्नल कोठियाल ने क्या? हमारे जवाब दीजिए रावत जी, जल्दी से शिशुपाल रावत जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद पता होना चाहिए। बीना जोशी जी और मनोज जी आपके पास आ रहा हूँ, जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता डिबेट में आके बैठ रही कि हमें पता नहीं कि केदारनाथ का पुनर्निर्माण किसने किया, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री का इवेंट करवाते रहेंगे, वहां नेचर शो करवाते रहेंगे करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके, तभी ने लगता केदारनाथ ऐसे बन गया। लाशों की ढेर पर कर्नल कोठियाल ने बर्फ पर चलकर अपने सहयोगी साथियों के साथ सरकार का भी, मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने काम नहीं किया, सरकार के नियंत्रण में या सरकार के निर्देशन में वहां पर जो काम पुनर्निर्माण का हुआ उसका नेतृत्व तो कर्नल अजय कोठियाल ने किया, जब कांग्रेस सरकार और भाजपा की विपक्षी सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि जवाब तो सीमा जी जल्दी से, यात्रा नहीं हो पाएगी, तब कर्नल कोठियाल ने वहां पर जाकर, पूरा देश शामिल था, हर पार्टी शामिल थी, कोई स्पेशल नहीं थे, आरएसएस के सबसे ज्यादा आरएसएस के संसेवक सबको ने काम किया वहां पे जाके, बीजेपी के मंत्री नहीं कर रहे कर्नल साहब को, बीजेपी वाले तरह तरह के आरोप लगाएंगे, लेकिन इनके आरोप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जुमलेबाज है, जो आज अचानक मुख्यमंत्री पद के दावेदार आप दिखते हैं, ऐसा क्या कोई कहीं तो नाम होता आज तक इतनी नहीं सुना आपके लिए डिबेट में तैयारी करके आएंगे। देखिए, अगर उन्होंने कहा है तो जरूर इस बात में दम होगा और उनके पास सबूत जरूर होंगे, समय आने पर जब आप मांगोगे तो वो दे देंगे। अच्छा, तो पूछ तो रहा था, मैंने 6 बार पूछा उनसे, बताइए ना, वो कह रहे थे वक्त आने पर बताऊंगा, 6 बार पूछा वक्त आने पर बताऊंगा, उन्होंने ये बात कही, तो फिर कौन सा वक्त है वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक सेकंड मनोज जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन बीना जोशी जी, ये कर्नल साहब चुप क्यों है? इतना संगीन आरोप, वो भी अगर मैं इस चर्चा को नहीं करवाता, अगर कोई छोटा नेता, छुटपैया नेता इस तरह का आरोप लगाता कर्नल के ऊपर, तो मैं नहीं करवाता चर्चा, मैं कहता इस चर्चा की जरूरत ही क्या है, हर पार्टी में चिंटू मिंटू होते हैं, हर पार्टी में होते हैं चिंटू मिंटू, आपकी पार्टी में भी है, उनकी पार्टी में भी है, और उन चिंटू मिंटू पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चिंटू मिंटू नहीं है ना कोई, ये तो मंत्री हैं जो खुद कहते हैं कि मैं पूर्व सैनिक हूं, अभी उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन कर्नल साहब चुप हो जाते हैं, कहते हैं ना बाबा ना ना, केदारनाथ पर नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, जोशी कह रहे हैं कि बताओ, बताऊंगा वक्त आने पर, खुलासा कर दूंगा, लेकिन कर्नल साहब चुप हो जाते हैं, क्यों, क्या लगता है आपको बीना जी? देखिए, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां आपस में मिली जुली हुई है, अगर मिली जुली नहीं होती तो आज 4.5 साल होने जा रहे हैं, आज तक इन्होंने क्यों नहीं उन पे आरोप लगाए, और आज अगर आरोप लगाए हैं और वो चुप्पी साधे बैठे तो कहीं ना कहीं उन दोनों की सांठगांठ है, और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि
भाजपा ए और आम आदमी पार्टी जो बी पार्टी है, भाजपा की बी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के एजेंट है, इसलिए वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। वरना अगर उनपे देखिए कर्नल है, कर्नल के ऊपर कोई आरोप लगाया गया है तो उन्होंने उसका उसका जवाब देना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं वो भी इस घोटाले में लिप्त हैं। अगर वो इस घोटाले में लिप्त नहीं होते तो उन्हें आवाज उठानी चाहिए, सच्चाई जनता को बतानी चाहिए कि आखिर सच्चाई है क्या। उन पर कोई इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। बोलिए, अगर आप उसका जवाब नहीं दे रहे तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी उस घोटाले में लिप्त हैं। घोटाले में लिप्त हैं वो कह रहे हैं, शिशुपाल जी आप घोटाले में लिप्त हैं इसलिए कर्नल चुप हैं, वो ये कह रही हैं। नहीं, ऐसा है कि उन्हें मीना जी को पता कि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के सरकार के टाइम पे केदारनाथ पुनर्निर्माण हुआ था जिसका नेतृत्व आदरणीय कर्नल कोठियाल ने किया, उन्हीं की वजह से मुख्यमंत्री कौन था की यात्रा दोबारा से सुगम हुई। मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री तो बोगुणा जी थे, जिनके जो पेट्रोल की बात आ रही थी जो चले गए थे आपदा में, तो कुर्सी उसके बाद आपदा में तो कुर्सी चली गई थी साहब, आपदा में तो कुर्सी ले डूबी। उसके बाद हरीश रावत जी आए थे जी। अब मैं उसी विषय पर आऊंगा, अब मैं उसी विषय पर आऊंगा, यही मैं सुनना चाह रहा था। लेकिन मनोज इष्टवादी, ये चल क्या रहा है? कर्नल कोठियाल पर गणेश जोशी इस तरह के संगीन आरोप लगा रहे और कर्नल कोठियाल कह रहे ना बाबा ना, मैं नहीं बोलूंगा, ना ना मैं कुछ नहीं कहूंगा, चल क्या रहा है? मैं इसलिए खड़ी कर रहा था कि मैं पहाड़ों में हूं और पहाड़ों में रात चल जाती है, अभी दूर गांव में जाना है, यहाँ जो चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण रही गणेश जोशी जी और ओडियल की बात। गणेश जोशी जी को भी बोलते हैं लोग भगोड़ा है, लेकिन सीमा जी एक बात बताइए, सीमा जी आम आदमी पार्टी ने भी एक सवाल उठाया, चलिए आप आपकी सरकार के में मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, तीन बार विधायक बन चुके हैं, मसूरी से ताल्लुक है, लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि एक उदाहरण दो जनसेवा का, कर्नल कोठियाल ने कौन सी जनसेवा की, एक उदाहरण दो। फिर वो कहते हैं कि फ्री में कुछ काम नहीं किया उन्होंने, फ्री में कुछ नहीं किया, पैसा लिया और काम किया। अब तीसरी बात वो कहते हैं कि केदारनाथ में नौकरी करते थे वो, नौकरी। चौथी बात वो ये कहते हैं कि पढ़ते वो खड़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, मुंह मत खुलवाओ मेरा। फिर वो कहते हैं ऐसे कई कर्नल आए और चले गए। अब मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि गणेश जोशी ने जो आरोप लगाए हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो सेना छोड़कर क्यों आए? फिर गणेश जोशी ये भी बताएं कि अगर वो पूर्व सैनिक थे वो सेना छोड़कर क्यों आए, बताइए सीमा जी। उसमें सेना अपनी जगह सेना में थे, वो भी थे, दोनों थे, लेकिन उन्होंने ऐसे बोला कि उन्होंने काम ऐसा करा नहीं, उन्होंने जो भी कराया वो पैसे लेकर करा है, उनके पास प्रूफ होंगे तभी तो उन्होंने नहीं, आप किसी की जनसेवा पर सवाल उठा देंगे, आप मतलब आप सर्टिफिकेट बांटेंगे, वो ही राष्ट्रभक्त और देशभक्त होगा। कर्नल कोठियाल को अगर आप आरोप लगा रहे तो कोई तो आधार होगा, आप कह रहे कि नहीं जोशी जी ने बोला तो सही होगा क्योंकि जोशी जी ने ही बोला। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर उन्होंने सच कुछ काम करे हुए तो आपको मुंह क्यों बंद है, आप खोल के सामने आ जाइए ना, आप बता दीजिए हमने क्या किया। शिशुपाल जी यही तो बात है, अगर आपने कुछ नहीं किया, दाल में काला नहीं है तो सामने आए कर्नल कोठियाल, शिशुपाल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो शुरुआती दौर में है, कई तरह के आरोप लगाएंगे क्योंकि ये पार्टी झूठ बोलने में माहिर है, ये जो है पत्थर के गणेश को पूरे देश में दूध पिला देती है, ये पूरे देश से नमक गायब कर देती है। ना शिशुपाल जी, ये नहीं गणेश को दूध पिलाने की बात उस आरोप की है ना, आप भाग रहे हैं। आज शिशुपाल डिफेंसिव है, आज शिशुपाल रावत जितने डिफेंसिव हो गए कि क्या बोलूं, हाय तौबा, कर्नल साहब तो बोल नहीं रहे, मुझसे बुलवा रहे, क्यों कर्नल साहब चुप है, सवाल तो यही खड़ा हो रहा है, मुस्कुरा रही है बीना जोशी जी, कह रही है आप बीजेपी की बी टीम है। मनोज जी अगर मेरा ऑडियो आ गया तो मैं यही जानना चाह रहा था, चुप क्यों है कर्नल साहब,
इतना संगीन आरोप कह रहे हैं, ना बाबा ना मैं तो नहीं बोलता। तिलक जी, जी ये इस समय देखिएगा तीनों पार्टियां जो आप आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और भाजपा है, तीनों पे ही एक प्रश्न चिन्ह लगता है। जब कांग्रेस थी तब भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप उस समय केदारनाथ आपदा पे लग रहे थे, लेकिन मेरा ये कहना है कि उतनी विषम परिस्थितियों में कनल कोटियाल ने वहां काम करवाया, उसका एप्रिशिएशन भी मिला, उसी से उन्होंने क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी हासिल की। नंबर दो जो होता ये बात आई कि साहब वो तीन गुना चार गुना दिहाड़ी पे वो काम करवा रहे हैं, नो डाउट उस समय क्या कहते हैं कोई मजदूर वहां काम करने को तैयार नहीं था। कनक कोटियाल पे ये आरोप कि वहाँ बहुत सारा घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, यकीनन बहुत आरोप लगे, बहुत सारी पेपरबाजी भी हुई, बहुत प्रसंग भी आए, लेकिन मेरा मानना है कि उस समय तक भाजपा चुप क्यों रही, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बाद भी भाजपा चुप क्यों रही। हिमा डोरा जी और शिशुपाल रावत जी की बात सुन रहा था कि सीमा जी वास्तव में तथ्यों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ मुद्दा है और इस पे जानकारियां जुटानी चाहिए थी। गणेश जोशी जी ने अगर आरोप लगाए हैं तो गणेश जोशी जी के भी आरोप लगते हैं। आपको क्या लगता है कर्नल कोठियाल चुप क्यों है, वजह क्या लगती है आपको कर्नल कोठियाल इस तरह से कर्नल कोठियाल चुप? कर्नल कोठियाल जी की चुप्पी के पीछे ये है कि अगर वो मुंह खोले फंस जाएंगे मुंह खोलेंगे तो। मनोज जी आपको क्या लगता है कि मुंह खोलेंगे तो फंस जाएंगे, डर रहे हैं वो? गणेश जोशी ने बोल दिया, कर्नल कोठियाल डर रहे हैं। मनोज जी का ऑडियो चला गया। क्यों मुस्कुरा रही हैं भीना जोशी जी आप? आपके पास भी कौन सा सर्टिफिकेट है? हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे, कर्नल कोठियाल की पीठ उन्होंने थपथपाई, आज आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है इसलिए कर्नल कोठियाल चुप है, गणेश जोशी जी वार कर रहे हैं इसलिए सब कुछ खेल चल रहा है क्योंकि कांग्रेस पिक्चर से निकल जाए। बीना जी जी देखिए आप ये मैं फिर कहना चाहती हूँ कि कर्नल कोठियाल जी चुप्पी साधे बैठे हैं, सरकार भाजपा की चल रही है, ठीक है, मंत्री भाजपा के उन पे आरोप लगा रहे हैं कि घोटाले में वहां केदारनाथ घोटाले पे, तो आपकी सरकार थी यदि वो पहले उनके अगर घोटाले में लिपते तो आपने इन साढ़े चार पौने पांच सालों में क्यों नहीं उनपे आरोप लगाए? जब सत्ता आपको खिसकती नजर आ रही तब आप उनपे आरोप लगा रहे। फिर वो कर्नल कोटियार जी चुप बैठे हैं, वो क्यों चुप बैठे हैं मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। जवाब दीजिए सीमा जी। फिर शिशुपाल जी आज कुछ नहीं बोल रहे, वो कह रहे कर्नल जी ने बोला मैं क्यों बोलूं, कर्नल जी ने कुछ नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं मैं क्यों बोलूं, जब कर्नल साहब पे आरोप लगे कर्नल साहब ही नहीं बोल रहे तो मैं क्यों बोलूं। बोलिए सीमा जोशी जी। सीमा जी जी सीमा डोरा जी कमजोर नब्ज पकड़ ली क्या कर्नल साहब की? कमजोर नब्ज चोर चोर मौसेरे भाई सर चोर चोर अभी अभी शिशुपाल जी खून नहीं खोला शिशुपाल जी अभी खून नहीं खोला चोर बोल रहे हैं आपको चोर चोर मुसेरे भाई वही दूसरों के पर घोटाले में तो क्योंकि सरकार आपकी चल रही है सरकार आपकी चल रही है आप सबूत के साथ नहीं आप सबूत के साथ लोगों के साथ बोलिए ना सबूत के साथ बोलिए मंत्री ऐसे थे चोर चोर मुसेरे भाई तो दिख रहे हैं की परमिशन आप ये बताइए आप उनपे आरोप लगा रहे नहीं आप उनपे आरोप लगा रहे हैं और वो चुप बैठे हैं। आप दोनों बहुत सारे भाई हैं। आप कांग्रेस को उसमें मत लाइए, माननीय हरीश रावत जी को उसमें बीच में मत लाइए। आप दोनों खुद बहुत सारे भाई हैं, चोर चोर बहुत सारे भाई कहते हैं। तो आप खुद बहुत सारे भाई हैं, इसलिए आप लोगों ने आरोप लगाए। सरकार हमारी है नहीं, आपकी सरकार चल रही है और आप आम आदमी पार्टी है। आरोप लगा रहे हैं, चुप क्यों बैठे उनके वो जाने। अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा मेरी जितनी भी चर्चा सीमा जी एक सेकंड मैं आज तक इतना हैरान हूं, मेरी कई बार शिशुपाल जी के साथ कई बार डिबेट हुई, आज तक इतने डिफेंसिव कभी नहीं हुए, आज तक इतना खामोश कभी वो नहीं रहे। आज पता नहीं क्या हुआ शिशुपाल जी को कि उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था जाऊं कहां। अगर वाकई हम बीजेपी की बी टीम है तो फिर जोशी जी को कुछ नहीं बोल सकता, अगर वो कर्नल साहब से कुछ कह रहे हैं तो ना बाबा ना, जब कर्नल साहब कुछ नहीं कह रहे तो मैं क्या बोलूंगा। यही बात है शिशुपाल जी कि आपका खून भी नहीं खोल रहा आज, वो चोर चोर कह रहे हैं आपको जोर जोर से। एक्चुअली में सर ये डिबेट जो है अभी जो ये बातचीत चल रही है ये मुझे तो लगा नहीं कि डिबेट पे मुझे जो था कि भाई कोविड पे डिबेट है और मुझे अभी आपके द्वारा या इनके द्वारा सुनाया जा रहा है कि भाई
गणेश जोशी ने कोई आरोप लगाए कर्नल साहब पे जी, तो ये मेंटली प्रिपेयर थे। और कर्नल साहब ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं आज बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बार बार जो ये टीम कहती है, बी और सी टीम दोनों एक है, कभी मंत्री इनके कभी मुख्यमंत्री इनके, कभी इनके साथ कभी उनके साथ ही गलबैया जो 21 सालों से उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। अब आम आदमी पार्टी का एक ईमानदार आपके ऊपर दाग लग रहा है, शिशुपाल जी आपके ऊपर दाग लग रहा है, मैं ये कह रहा हूं दाग आपके ऊपर दिखाए जा रहे हैं, घोटालों पे पर्दा डाल रहे हैं, आपके ऊपर दाग दिखाए जा रहे हैं, घोटाले कहां गया इनका जो है कि बीच ढांचा बीच घोटाला, कहां गया इनका कुंभ में जो इन्होंने अभी कोविड में घोटाला किया था, कहां इनका राशन घोटाला किया, कहां इनका जो है पूर्व भारतीय पुलिस घोटाला किया, लेकिन कहने का मतलब है अभी तक बीजेपी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी जैसे सत्ता में आएगी इन दोनों पार्टियों के घोटालों का पर्दाफाश आम आदमी पार्टी करेगी। इलेक्शन के टाइम अचानक जागृत हो जाती है आपकी शक्तियां, क्या कर रहे थे आप लोग, अगर कोई घोटाले में थे तो आपके आवाज क्यों कम से कम आप सत्ता में है, एक पूर्व सैनिक के लिए आप चोर कह रहे हैं, आपको आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ, उनके लिए कुछ और घोटाले बोलेंगे, सैनिक हमारे लिए हमेशा सम्मान निर्माण किया था, 10,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया, बीजेपी और कांग्रेस बौखला गई है, कर्नल से डर गई है, समझ रहे कि कर्नल चुनाव मैदान में आ चुके हैं, अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है सारी सारा चक्र जो है कर्नल का, इसलिए आप कर्नल से डर चुके हो, ऐसा है सीमा जी बोलू, हाँ वो आप कह रहे हैं कि कर्नल डर गए, ये कह रहे हैं कर्नल से आप डर गए हो, कर्नल इसलिए चुप है क्योंकि वो डर गए, कर्नल इसलिए चुप है क्योंकि वो डर गए, गणेश जोशी ने कहा कि पर्ते खोल दूंगा इसलिए कर्नल साहब चुप है, आप वो कह रहे हैं कि नहीं कर्नल साहब से आप लोग डरे हो इसलिए ये आरोप लगा रहे हो, कौन सच्चा है? अच्छा अगर आप एक काम करिए, आप जरा गणेश जोशी जी के ऊपर कुछ लगा के दिखाइए, फिर आपको बताएंगे वो चुप रहेंगे, सच को आज नहीं मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर कोई सच होता है तो वो चुप नहीं रहता, वो जरूर अपने पूरे के बोला, तो इन्होंने भी तो कहा आम आदमी पार्टी कह रही है सीमा जी, जोशी जी सेना में रहे तो सेना छोड़कर क्यों आए, सेना छोड़कर क्यों आए वो भी पूछ रहे हैं जोशी जी से, बताइए आप, क्योंकि उनको राजनीति करनी थी, अच्छा बहुत बढ़िया नेता रहे आज तक के, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने यहाँ पे सेवा करनी थी लोगों की, अच्छा उन्होंने ऐसे कहा सेना तो दोनों तरफ से की जाती है, सेना से भी सेवा की जाती है, तो यहाँ पर उनके अपने माता पिता के कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए उन्होंने सेना छोड़ी, मनोज अष्टवाल जी मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, कर्नल कोठियाल जी को इस बात को तो समझना चाहिए ना, कर्नल साहब बहुत समझदार व्यक्ति है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये तो अभी तो शिशुपाल जी बहुत कम बोल रहे थे, मैं तो शुरू करता हूँ 56 घोटाले, फिर 156 घोटालों की फाइल, फिर उसके बाद कुंभ आया चला गया, फिर ढैचा बीच प्रकरण भी आया वो भी चला गया, कोरोना आया वो भी चला गया, लोकायुक्त आया नहीं, घोटाले पर घोटालों के आरोप लगे, एक घोटाला आज तक सिद्ध नहीं हुआ, एक घोटाला सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कर्नल साहब चुप हो गए, पता नहीं क्यों, क्यों मनोज जी आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है, कर्नल साहब चुप हो रहे हैं, इसका मतलब क्या वाकई में जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि वो बीजेपी की बी टीम है, प्लान करके उनको उतारा गया है, इससे कांग्रेस को नुकसान हो इसीलिए कर्नल साहब इतने संगीन आरोप पर चुप हो जाते हैं? तिलक जी मैं सोचता हूँ कि इस डिबेट को सुनकर कर्नल कोठियाल हंसते होंगे, हंस इसलिए रहे होंगे कि वो अरविंद केजरीवाल की लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज अरविंद केजरीवाल पर जितने भी आरोप लगे उसके साथ साथ वो अपने मुख्यमंत्री बनते गए, मोदी जी को चाय वाला करके कांग्रेस ने टारगेट किया, वो प्रधानमंत्री बन गए, इधर अब अगर कर्नल कोठियाल पे ये आरोप लग रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो चुप्पी इसलिए साध रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी की तरह चुप चुप करके ये चाहते हैं कि हाँ उन पर आरोप लगे वो और पदछिल है, बिल्कुल। अब एक बात आप दूसरे के एक दूसरे पर आरोप है कि उन्होंने फौज क्यों छोड़ी, दोनों ही व्यक्तियों ने चाहे कर्नल कोठियाल हो चाहे गणेश जोशी हो, दोनों ने समाज सेवा के बाद अब राजनीति पे कदम रखने के लिए फौज, एक ने क्या कहते हैं रिजाइन किया, एक ने क्या कहते हैं फौज छोड़ी होगी, कैसे छोड़ी है ये पता नहीं है,
कनौल साहब भी पूरी नौकरी करके नहीं आए, लेकिन इतना जरूर है कनौल साहब ने भी इसलिए जीता था यूथ आइकन खड़ी करने के बाद उनका प्रभुत्व बढ़ा था और बहुत अच्छे आज भी उनके लिए बोलता है कि आपने पार्टी गलत चूज कर ली। कनौल कोटिया को बोलते कि पार्टी गलत चूज कर ली, अगर क्या कहते हैं आप विधायक होते। अब देखना यह है कि ये धुआं चौकड़ी में कि जो एक फौजी दूसरे फौजी पर आरोप लगा रहे हैं, कहां क्या कहते हैं ये लोग किसका कल बढ़ाएंगे ये कहना कंफर्म नहीं है। लेकिन कनौल कोटियाल फिर से चर्चाओं में आ गए, कुछ दिनों से कनौल कोटियाल की चर्चा नहीं हो रही थी। कनौल कोटियाल ने ये मुद्दा गर्म, नरेंद्र जोशी जी ने एक मुद्दा गर्म करके कनौल कोटियाल को बीना जोशी जी, बीना जोशी जी आम आदमी पार्टी डिफेंसिव हो गई इस मुद्दे को लेकर, और सीमा जी को लग रहा है हमने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ ली। अब इसी नब्ज को पकड़े रखेंगे, बार बार चिल्लाएंगे केदारनाथ में घोटाला हुआ, कर्नल कोठियाल ने घोटाला किया, घोटाला 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 घोटाला, अब यही चिल्लाएंगे ये कि कर्नल कोठियाल ने घोटाला किया। ऐसा कुछ सीमा जी को लग रहा है हमने कमजोर नब्ज पकड़ ली, क्योंकि कर्नल चुप, बिल्कुल चुप, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन एक बात सीमा जी, बीना जी, मुझे एक बात बताइए। देखिए जिनके स्कूटर के नंबर थे, जिनके स्कूटर के नंबर देश के प्रधानमंत्री जी ने परेड ग्राउंड पे गिनवाए थे, वो स्कूटर के नंबर पता नहीं कहाँ गुम हो गए। उसके बाद मुख्यमंत्री बने कौन? हरीश रावत जी। हरीश रावत जी ने खुद कर्नल कोठियाल की पीठ थपथपाई। अब बताइए कि इस घोटाले की परत कभी खुल सकती है? अगर घोटाला हुआ जिनके ऊपर आरोप लगे वो बीजेपी में चले गए, जिन्होंने पीठ थपथपाई वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और जिन पर आरोप लग रहे हैं वो आम आदमी पार्टी में है। अब बोलिए घोटाला खुल सकता है क्या बीना जोशी जी? अगर घोटाला है तो देखिए, जब आप बोल रहे हैं कि मानी नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपने बोला कि हरीश रावत जी ने कर्नल कोठियाल जी की पीठ थपथपाई, ठीक है, तब वो कोई घोटाले में, उस एक बात बताइए, एक सेना का कोई अधिकारी है तो उसका उसकी पीठ थपथपाना हमारे यहाँ बहुत सम्मान माना जाता है। लेकिन आज वो कर्नल नहीं ना होके आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, ठीक है, और आज भाजपा सरकार उनपे आरोप लगा रही है घोटाले को लेकर के, केदारनाथ घोटाले को लेकर के। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप दोनों आपस में लड़ते रहिए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप सब चुप्पी साधे अपने अपने जगह पे बैठे रह जाइएगा। तो फिर ये आप क्यों कह रही हैं कि आरोप सच्चे? क्योंकि देखिए इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप, नहीं मैं ये कह रही हूँ कि आरोप सच्चे हैं या नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ कि भाजपा, नहीं मैंने कहा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है, ठीक है, और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो मेरा तो मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि आपस में आप दोनों एक दूसरे के बारे में आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, चुप्पी साधे रहिए, और हम कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो अब 2022 से अपनी सरकार बना करके उत्तराखंड देवभूमि के लिए सरकार बना करके अपनी जनता के काम करेंगे। अगर ये घोटाला है तो इसका फिर पर्दाफाश कैसे होगा सीमा जी? अगर ये वाकई आपकी नजर में घोटाला है, क्योंकि जिनके ऊपर आरोप लगे वो अगर घोटाला भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने लगाया है घोटाले का आरोप। एक सेकंड रुकिए ना, घोटाले के आरोप तो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी लगाए थे परेड ग्राउंड से, स्कूटर के नंबर गिनवाए थे, वो स्कूटर के नंबर भी गुम हो गए। एक सेकंड, वो पता नहीं स्कूटर आज तक मिला ही नहीं किसी को। सीमा जी क्यों बदनाम कर रहे हैं कर्नल कोठियाल को? क्यों? राजनीतिक हित के लिए अपने? हमारी कभी ऐसी मंशा नहीं रहती कि हम किसी को बदनाम करें। हमने कभी किसी चेहरे को खराब करके इलेक्शन नहीं लड़े। हम इलेक्शन लड़ते हैं अपने प्रगति पर, अपने काम पर, कि हम विश्वास करते हैं काम पे, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम करा। तो फिर ये क्यों आरोप लगाया कर्नल कोठियाल को? सुनाऊं, शिशुपाल जी का खून नहीं खोला अभी तक, गुस्सा नहीं आया उनको, दोबारा सुनाता हूँ, एक मिनट रुकिए ना, दोबारा से गणेश जोशी का वो बयान सुनाइए प्लीज। गणेश जोशी ने जो कुछ कहा शिशुपाल जी, मैं चाहूंगा कि ध्यान से सुनिए, और मेरी गुजारिश है आपसे व्यक्तिगत रूप से कि आप कर्नल कोठियाल को बोलिए कम से कम इस मसले को लेकर वो सफाई दे, इस मसले को लेकर वो अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि ये आरोप जो है ना वो बेहद संगीन है मुझे लगता है, और ये आपकी कमजोर नब्ज ना बन जाए। मैं चाहूंगा कि गणेश जोशी जी का वो बयान एक बार फिर से प्ले करिए प्लीज। कर्नल कोठियाल ने भी तो जनसेवा की आपकी तरह। कर्नल कोठियाल ने कोई जनसेवा का मुझे उदाहरण बताइए, क्या किया उन्होंने?
केदारनाथ धाम का, केदारनाथ में उन्होंने नौकरी करते थे, तनखा ली, जो काम मिला वो काम को ठेकेदारों से काम कराया, उसको जनसेवा नहीं बोलते हैं। फ्री में उन्होंने कोई काम नहीं किया, उसका बकायदा उन्होंने पैसा लिया गया। जो आप जिस परिपेक्ष में आप बात करना चाहें वहां का इशारा कर रहा हूँ कि जिस केदारनाथ की आप बात कर रहे हैं जी, अब उसकी परतें उगड़ेंगे तो बहुत चीजें निकल जाएंगी, चुनाव में बात करेंगे उस चीजों की। सरकार आपकी थी, आप खोलते परतें, देखिए वक्त आएगा तो वो चीज भी आएगी। लेकिन क्या ना, मैं हूँ किसी पर व्यक्तिगत आरोप के बचदर नहीं है। नहीं, केदारनाथ में अगर कुछ हुआ तो आपको परतें खोलनी चाहिए थी, सरकार आपकी है। नहीं नहीं, जब आश की आवश्यकता महसूस होगी, देखिए जब लड़ाई होती है तो सारा एमिनेशन एक साथ नहीं निकल जाते, सारे हथियार एक साथ नहीं निकाले जाते। कभी पहले एयर बम्बार्डमेंट होता है, फिर टैंक चलते हैं, फिर पैदल सेना जाती है, तो जब वक्त आएगा तो उस हिसाब से बातचीत। ऐसा महसूस हो रहा है कि फौजी के सामने फौजी। शिशुपाल जी वो कह रहे हैं कि अभी इंतजार करो, पहले टैंक आएंगे, फिर थल सेना आएगी, फिर बमबारी शुरू होगी, आप चुप हैं। मैं इसका एक उदाहरण, शिशुपाल जी, मैं ये मसला इसलिए गंभीर हो जाता है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि कर्नल कोठियाल साहब ने राष्ट्र सेवा की, देश सेवा की, बिल्कुल की होगी, मैं सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहा की होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो आरोप लगाए गए हैं, अब आप न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टाइमलाइन पर जाइए, उसको हजारों लोग देख चुके हैं, उस इंटरव्यू को हजारों लोग देख चुके हैं और कर्नल साहब चुप हैं अभी तक। आपको लगता है कि ये मसला बस ये है कि आया और गया, वो तो इंटरव्यू पड़ा रहेगा उस पर, और हजारों के बाद कई हजारों और देखेंगे, और सवाल यही खड़ा होगा क्या वाकई कर्नल कोठियाल ने ये जो आरोप लगाया उस पर चुप्पी साध ली, गणेश जोशी जी ने कहा वो सही कहा। शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, जी आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है बिल्कुल। देखिए ये बड़ा गंभीर बात उन्होंने कही है और मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं, और मैं मानता हूं कि कैबिनेट मंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, इस तरह से बोलना, एक नैतिक जिम्मेदारी जो उनकी है वो दिख नहीं रही है उसमें, क्योंकि आखिर सरकार के कैबिनेट मंत्री और कर्नल, रिटायर्ड कर्नल पर जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, 10,000 से ज्यादा युवाओं को जो है सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, और उसके बाद मेन जो कार्य है वो केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम करने का काम कर्नल अजय कोटान ने किया, उनके नेतृत्व में हुआ है। ये जो फालतू की बातें, निश्चित रूप से कर्नल साहब जरूर कल बताएंगे या जरूर जवाब देंगे वो, लेकिन ये ओछी हरकतें, ओछी बातें, इससे कोई मतलब कर्नल साहब पे कोई आरोप सिद्ध नहीं कर सकता है। कैसे? उन जैसा, जैसे यही कि 56 घोटालों का भी नहीं हुआ, 156 घोटालों का भी नहीं हुआ, कुंभ का भी नहीं हुआ, ढेंचा बीज का भी नहीं हुआ, ऐसे कई आरोप लगे और चले गए, इसका भी गया आरोप और चला गया। बीजेपी कांग्रेस डर चुकी है कि जो घोटाले अब कर्नल आके खोदेगा, ऐसे कर्नल सीमा जी के चक्कर में है, लेकिन ये इनका सपना पूरा नहीं होगा। आम आदमी जाग, सीमा जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर बीना जी आपके पास आ रहा हूँ, मनोज जी आपके पास। स्थानों से घोटालों के परत दर परत तो सर आपका पूरा नहीं होगा, दिल्ली को गंदगी के घोल में डुबो के आप नहीं सोच सकते कि उत्तराखंड में आप सरकार बना लोगे, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे सरकार को बिल्कुल उत्तराखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी। वो कह रहे हैं केदारनाथ में घोटाला अगर हुआ होगा तो उसकी परतें खोलेंगे कर्नल कोठियाल, आप इसलिए घबरा रहे हैं दोनों पार्टियां। सीमा जी कौन घबरा रहा है? आप घबरा रहे हैं? घबरा रहे हैं कर्नल से? अजी हम, अगर हम घबरा रहे होते तो ऐसे बोलते नहीं, जब उन्होंने विभाग बोला है तो इसका मतलब कुछ हुआ होगा, बिना आग के धुआं नहीं निकलता सर, अगर आग लगी होगी तभी धुआं निकला, अगर कुछ हुआ होगा तभी उन्होंने कहा होगा, और इनको डर क्यों लग रहा है? ये उनके बोले ना, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बोले कि हमें सच्चाई दिखाओ। अरे तो घोटाले करे हैं हम लोगों ने, अरे आप उसको सिद्ध कर दीजिए ना, आपने क्यों नहीं सिद्ध करा अभी तक? आप चुप क्यों बैठे थे? मैं हैरान हूँ, आज आज बोल रहे इलेक्शन के टाइम आप लोग कि ये हुआ हुए हुआ, 4 साल से क्यों चुप? सरकार गिराने की कोशिश क्यों नहीं करी आप लोगों ने? ये तो आपका दायित्व था ना, अगर घोटाले हुए थे हमारे तो इसका मतलब कोई घोटाले हुए नहीं, आप लोगों को तो बांधे चाहिए होते हैं खाली। ऐसे ही नहीं चल रही हमारी सरकार, ऐसे ही नहीं लोग शांत बैठे हुए हैं, जनता बहुत जागरूक है, बेवकूफ नहीं है जो चुप रहेगी।
और दिखा नहीं रहे इलेक्शन में, आप क्यों परेशान हो? मंत्री पद दिए, नौ जनता जवाब देगी 2022 में, दो ढाई महीने बचे। ये बीजेपी है जिसमें इतना दम है कि जरा सी जनता ने बीजेपी डर गई है, बीजेपी इसने कर्दन पे निराधार झूठे आरोप लगाने का काम कर रही है, पूर्व सभी को अपमान करने का काम कर रही है। आपके पास है क्या, न केंद्र में न आपके पास राज्य में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है? ढूंढ ढूंढ के एक पकड़ के लाते हैं, वो भी उसका भी अस्तित्व होता। हमारे पास तो हर हमारा हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने के काबिल है, कितने मुख्यमंत्री के चेहरे हमारे पास, और अगर बदल दिया हमने मुख्यमंत्री तो आपको क्या परेशानी हुई? हमने काम नहीं रोका, विकास कहीं नहीं रोका, जनता जवाब देगी तो दे देगी ना जनता, जो इंतजार करिए जनता के जवाब का, इंतजार करिए जनता विकास के सबक के बोलेगा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे, विकास बहुत हुआ और आगे भी होता रहेगा, जो जनता जान चुकी है वो आपको जवाब देगी उत्तराखंड पे, और जनता को भी बहुत सुकून मिला है और आगे मिलेगा। ऐसे बुरे वक्त पे हमने जनता का साथ दिया, आपने क्या किया दिल्ली में जनता का बुरे वक्त पे साथ दिया? कोरोना में अच्छा बुरे वक्त में कर्नल कोठियाल ने वहां गए, बुरे वक्त में कर्नल कोठियाल नहीं गए केदारनाथ? केदारनाथ में क्या कोई सरकार में जाके काम किया क्या? कर्नल कोठियाल ने अगर काम किया, उनके नेतृत्व में काम हुआ, आज उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप सीमा जी? क्या वहां पर कोई सरकार का नुमाइंदा जाके काम कर रहा था क्या? अगर कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में काम हुआ तो आज आप कह रहे हैं कि घोटाला किया उन्होंने? घोटाले हुए हैं तो प्रूफ कर देंगे वो, आप तो कब करेंगे, कब करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? दे देंगे समय आने पे, समय अच्छा। आने पे बिल्कुल सब पत्ते खुलेंगे। नहीं नहीं, समय आने पर प्रूफ करेंगे। मुझे एक बात बताइए, सीधी सी बात बताइए बीना जोशी जी, ये आप जो बीजेपी बी टीम ए टीम आम आदमी पार्टी, क्या आपको लगता है इसी वजह से कर्नल कोठियाल चुप है? जब इतना संगीन आरोप लगा दिया, उस मसले को लेकर आरोप लगा दिया जिसकी दुहाई देते हैं कि हमने राष्ट्रभक्ति देशभक्ति, क्या इसीलिए चुप है क्या कर्नल कोठियाल? देखिए सरकार भाजपा की है और घोटाले आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों की सांठगांठ है, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है ना। और उसके बाद कर्नल साहब चुप बैठे हुए हैं। देखो सरकार आपकी चल रही है, भाजपा सरकार की, और आम आदमी पार्टी के लोग उसमें घोटाले में लिप्त हैं, तो यानी आप दोनों, मैं फिर कहना चाहती हूँ कि आप दोनों की सांठ गांठ चल रही है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, और जिसके उसमें कर्नल कोठियाल जी छुप बैठे हुए हैं। अगर आपके ऊपर, नहीं मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये आरोप झूठे थे तो आप जनता को जवाब दीजिए ना इसका, आप जनता को इसका जवाब दीजिए, आप खुल के बोलिए कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निराधार है, वो गलत है, आपको उसका जवाब जनता को देना चाहिए। आप क्यों चुप्पी साधे बैठे? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, मैं पूछना चाहती थी कि अगर एक मंत्री जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे तो आप क्यों चुप्पी साधे बैठे? आपको जवाब देना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आप दोनों की सांठ गांठ है, इसलिए आप भी चुप बैठे हुए हैं। अरे इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा तो आप जवाब दीजिए ना जनता को, मैं कहना चाह रही हूँ। अभी तक कांग्रेस बीजेपी ने किन किन से बात कर ली इतने घोटालों में? कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के कहती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला कर दिया, हम इनके घोटालों को खोलेंगे। बीजेपी आती है, बीजेपी कहती है कांग्रेस ने घोटाला कर दिया, इनके घोटालों को खोलेंगे। एक घोटाला बता दीजिए जो आपने साबित किया हुआ, दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती थी। आज कर्नल साहब जब राजनीति में कूदे हैं, आज आम आदमी की सरकार बनने जा रही, तो दोनों पार्टी एक हो चुकी है। सपने देखिए, सपने सपने देखना बुरी बात नहीं है, एक नहीं हो चुकी है। मैं कहना चाहती हूँ कर्नल साहब वाकई में सच्चे हैं, उन्होंने कोई घोटाले तो वो जवाब दे ना जनता को। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उन्हें जनता को जवाब तो देना चाहिए। जब अगर जनता को जवाब नहीं देंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में मिले जुले हुए हैं। कर्नल चुप्पी तोड़ेंगे? मनोज जी के ऊपर लगता है, मनोज जी तो उसको उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ। दिया जाता है जब बात आदमी ने किसी बात तथ्य पे की हो, ठीक है। मैं दुख इस बात का हो रहा मुझे कि इतनी घटिया राजनीति के कैबिनेट मंत्री इस तरह की ऊंची बातें करके और ऐसे निराधार आरोप किसी राष्ट्रभक्त पे लगाए। अगर राष्ट्रभक्त देखिए, फिर वही बात, वो कह रहे कि कौन सी जनसेवा की। एक कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि कर्नल कोठियाल ने कौन सी जनसेवा की। मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा केदारनाथ आपदा, क्या उन्होंने काम नहीं किया? तो उन्होंने कहा कौन सा काम किया, तनख्वाह ली, फ्री में काम किया क्या रावत जी? उन्होंने कहा, दोबारा सुनाओ, वो कह रहे तनख्वाह ली, फ्री में काम किया गया। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों से काम करवाया, मतलब ठेकेदार बना दिया उनको।
20% घोटाला करके भाजपा कांग्रेस इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। परते उखाड़ेंगे वो आपकी, वो बोल रहे हैं मैं परते उखाड़ूंगा। बिल्कुल एक एक परते उखाड़े के बीजेपी कांग्रेस की आम आदमी की सरकार बनती। आप क्या करेंगे, आप तो चुप्पी साध गए, आप चुप हो गए। नहीं नहीं चुप्पी नहीं, आप चुप हो गए, निराधार बातें, आप चुप हो गए। आपके ऊपर आरोप लगाया, आप चुप हो गए, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। बीजेपी कांग्रेस एक भ्रष्टाचार बचाने वाली पार्टी को, ईमानदार पार्टी को दागदार बनाना चाहती है। तो आपके ऊपर आरोप लगा तो जवाब कौन देगा? क्या सीमा जी जवाब देंगी या बीना जी जवाब देंगी? जिनके ऊपर आरोप लगा वो चुप्पी साध लेंगे। कर्नल कोठियाल इस बात को लेकर चुप्पी साध लेंगे कि भैया मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं क्यों बोलूं? क्या गणेश जोशी कोई छुटमैया नेता है? धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। एक कैबिनेट मंत्री आपके मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर यूं आरोप लगा रहे हैं केदारनाथ आपदा को लेकर, और आप चुप्पी साध लेते हैं, जनता क्या समझेगी? बीजेपी कांग्रेस देखिए, बीजेपी कांग्रेस की तरफ से जवाब आ जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री हनी सलामत जी है और स्कूटर का बीजेपी बीजेपी कांग्रेस क्या कह रहे हैं? जवाब मांगा जा रहा है, जवाब दीजिए ना। पार्टी में दोषारोपण क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में कहना चाहते हैं कि कर्नल कोठियाल जी इसका जवाब दें जनता को। भ्रष्टाचार बोलिए, बोल दीजिए आप उसका जवाब तो दे। जनता पार्टी ने भी और आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर, एक ईमानदार एक लास्ट वक्त पे जवाब आप दोनों के पास है, बीना जी और सीमा जी पूछेगा, एक बौगड़ा जी से पूछेगा जी, जवाब हमारे पास दूसरे पूछे मंत्री है, अगर वो उस पर आरोप लगा रहे तो आपने ये आरोप, आप इस आरोप को सिद्ध भी करे ना। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर आप दोनों में ये कहना चाह रही हूँ की अगर मंत्री गलत बोल रहे हैं तो आप उनसे आप उसका जवाब दीजिए, और अगर कहते हैं अगर आपके पास जवाब है तो इसका मतलब मंत्री जी झूठे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों की साठ गांठ है ये। शिशुपाल जी जवाब दोनों पार्टी, अगर साठ गांठ नहीं है तो आप झूठे थे और वो आरोप लगा रहे हैं आप पे। शिशुपाल जी, बीजेपी ने आरोप लगाया और आप लोगों ने चुप्पी साध ली, अब पब्लिक क्या समझेगी? सर मैं तो इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, मैंने कह दिया आपके ऊपर आरोप नहीं है ना, जो है आपके ऊपर आरोप नहीं है, मुख्यमंत्री से पूछे, दूसरी आपके मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर आरोप है, एक कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया है। मैंने स्पष्ट कह दिया, इस तरह का आरोप कर्नल पे लगाना पूर्व सैनिकों का अपमान करना जैसा। साहब यही बात वही बोल दे, यही बात कर्नल साहब बोल दे, यही बात कर्नल साहब बोल दे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यही बात कर्नल साहब भी बोल सकते हैं। या तो पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी वाले बोलेंगे या पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस वाले बोल देंगे, कर्नल साहब नहीं बोलेंगे, समय आने पे बोलेंगे, लेकिन पहले इनसे तो जवाब दे दो जो आरोप लगा रहे। ये पी और सी टीम जिन्होंने उत्तराखंड को 21 साल बर्बाद करने का काम किया है। देखिए देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया शिशुपाल जी, आप न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टाइमलाइन पर जाएंगे, आपको वो यूट्यूब पर जिसे हजारों लोग देख चुका है, फेसबुक पर, सब जगह उपलब्ध मिलेगा इंटरव्यू। अब आपका विवेक, आपका नजरिया, आपकी सोच, अगर आपको लगता है कि आज आरोपों पर, इतने गंभीर और संगीन आरोपों पर आपको चुप्पी साधनी है तो आप चुप्पी साधिए, आपको कुछ नहीं बोलना कुछ मत बोलिए। आपको लगता है कि इन आरोपों में वाकई कुछ दम है और कई हमारी कमजोर नब्ज ना दबा दे कोई, जो जनता सोच सकती है नैरेटिव, इसलिए आप चुप हो गए। देखिए राष्ट्र आपके प्रदेश से लेकर और राष्ट्रीय नेताओं पर कितने आरोप लगे हैं, मैं कह रहा हूं सर, क्या कभी आरोप लगाने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती? ये बात मैंने सीमा जी को कही कि आरोप लगाने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती। हिट एंड रन केजरीवाल जी से पूछिए ना, केजरीवाल जी से हिट एंड रन क्या होता है, वो तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं हिट एंड रन। कोर्ट में जाके माफिया तक मांगी आप लोगों ने। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आरोप अगर संगीन है तो आपका विवेक, आपका नजरिया, क्योंकि पूछता है उत्तराखंड कि कर्नल साहब आज चुप क्यों हैं?
कर्नल साहब अगर आपने कुछ नहीं किया तो उत्तराखंड पूछता है कि पूरे सवाल जो खड़े किए गणेश जोशी ने उस पर जवाब कब देंगे। कर्नल साहब पूछता है उत्तराखंड कि अगर वाकई में केदारनाथ में कोई घोटाले में आपका हाथ नहीं है तो आप गणेश जोशी की चुनौती को कब स्वीकार करेंगे। पूछता है पूरा उत्तराखंड कि कर्नल साहब चुप्पी कब तोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल जी, बता दिया मैंने आपको, यूट्यूब पर पड़ा हुआ टाइमलाइन पर हजारों लोग देख चुके हैं इस इंटरव्यू को। अब आपका विवेक, चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीमा जी, बीना जी आपका भी, मनोज जी आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे ऐसे मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।